नमस्कार दोस्तों, गजब टेक्निकल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी भी प्रकार की फ़ोटो को अपने फ़ोन में बिना किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के एडिट कर सकते हो। अपन एडिट करने के लिए अपन गूगल फ़ोटोज़ के गूगल के एप्लीकेशन को काम में लेंगे, गूगल फ़ोटोज़ को, ठीक है, जो कि अपने फ़ोन के अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड रहता है गूगल के साथ, ठीक है। तो गूगल फ़ोटोज़ से अपन फ़ोटोज़ को एडिट करना सीखेंगे आज। तो सिंपली अपन को क्या करना है, गूगल फ़ोटोज़ अपने पास एप्लीकेशन होता है, अपन को कोई भी फ़ोटो चूज करनी है, उसके अंदर जो अपनी गैलरी की जितनी भी फ़ोटोज़ रहेंगी वो उसके अंदर अपने को शो होंगी। तो वहाँ पे क्या करना है, गूगल फ़ोटोज़ के अंदर जाके अपन को किसी भी एक फ़ोटो को लेना है। मतलब मैं जैसे ये नेचर की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया मैंने, तो वो फ़ोटोज़ मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये फ़ोटो थी, इस फ़ोटो को मैंने एडिट करके ऐसा कन्वर्ट किया है। तो सिंपली इफेक्ट डाल सकते हो आप, इनको वॉलपेपर में भी सेट कर सकते हो। तो इन फ़ोटोज़ को अपन क्या करेंगे, यहाँ से इनमें नीचे अपन को सेटिंग दे रखी है, ये 3 डॉट्स 3 लाइंस का है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपने सामने कुछ डिटेल्स ऑटो फिल्टर्स वगैरह आएंगे, उन फिल्टर्स को आप सेलेक्ट करके इनको फ़िल्टर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इन फिल्टर्स को अगर नहीं सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे दोबारा इसको टैप करेंगे अपन नेक्स्ट टैब को। इसको टैप करने के बाद में अपने सामने कुछ डिटेल्स ओपन होंगी, जिसमें अपन फ़ोटोज़ की लाइट्स चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, पॉप्स चेंज कर सकते हैं। पॉप्स के अंदर अपना ये HDR के टाइप का होता है, तो इनको अपनी जैसे भी अपनी आवश्यकता है उसके अनुसार अपन इनको चेंज करके इनको पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। सिंपली जैसे मैं ये पिक्चर साइज़ को अगर सेट करना चाहूँ तो यहाँ पे लाइट वगैरह को मैं एक्सटेंड करके यहाँ पे देख सकता हूँ कि अभी मुझे क्या क्या इसमें चेंजमेंट करने हैं, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ी लाइट बढ़ा सकता हूँ, इसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट इतना ये कर देता हूँ, और वाइट टोन अगर इसमें रखना है तो वाइट अगर मैं नॉर्मल रखूँ, नॉर्मल नहीं चाहिए वाइट, वाइट अपन इसमें इतना ही रख लेते हैं थोड़ा, और हाईलाइट्स वगैरह इसमें देख लेते हैं कोई इफेक्ट, या आप ये भी देख सकते हो कि अगर लाइव इफेक्ट पड़ता है इस पर, जैसे आप चेंज करते हो हाईलाइट्स को तो इसको चेंज करोगे तो इस पर देखो लाइव इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप इनको कम ज़्यादा करके अपनी आवश्यकता अनुसार इनको चेंज कर सकते हो, फोटो को जो भी है जिस प्रकार की भी आपको फ़ोटो चाहिए उस प्रकार से सेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं अब फिर नेक्स्ट आया अपना कलर्स का, लाइट अपन ने सेट कर ली। कलर्स में आप कितना कलर इसके अंदर फेड करना चाह रहे हो, नॉर्मल कलर जा रहे हो या ब्लैक एंड वाइट अगर चाह रहे हो तो इसको डाउन कर देना एकदम से ब्लैक कलर्ड में। अगर फुल जो जितने भी कलर अपनी पिक्चर के अंदर इंक्लूडेड हैं उन सभी को कलर्ड करने के लिए, मतलब कलर्ड को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए बारीक से बारीक कलर इसके अंदर हाईलाइट होगा तो उनको दिखाने के लिए यहाँ पे इसको जितना चाहें अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉप वगैरह अपन ने चेंज कर ही लिया था स्टार्टिंग में। तो अब ये पिक्चर सिंपली अपनी सेट हो गई है, ये देखिए पहले अपनी ओरिजिनल पिक्चर ये थी, अब अपने ये चेंजमेंट किया है इसमें। अगर इसमें और थोड़ा बहुत अगर चेंजमेंट करना चाहो आप इसको कम कर दीजिए थोड़ा पॉप को कम, ये देखिए पहले अपनी ये पिक्चर थी, अभी अपने चेंजमेंट करके ये किए। अगर सिंपली आपको ये पिक्चर अब सही लगी तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको मतलब अनडू इफेक्ट जो भी अपन ने डाले हैं उसको इफेक्ट को अनडू भी कर सकते हो। अगर सेव करना हो तो अपन को डायरेक्टली सेव पे क्लिक करके ये इमेजेस सेव हो जाएगी अपनी, ठीक है। इस प्रकार से आप इमेजेस को एडिट कर सकते हो। आप सिंपली देखो ये नॉर्मल पिक्चर से इसको मैंने एडिट करके ऐसा बना दिया, और अगर नेक्स्ट मैं इमेज लूँ यहाँ पे, नेक्स्ट मैं ये इमेज ले लेता हूँ, इस इमेज को अपन एडिट करेंगे, इफेक्ट डालेंगे इसको, मतलब इमेज को एडिट करेंगे। नॉर्मली आप सिंपल इन फिल्टर्स को सिलेक्ट करके, बेसिकली जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, फिल्टर्स को सिलेक्ट करके ऑटो फिल्टर भी कर सकते हो। अगर इनको आपको नहीं चाहिए तो ओरिजिनल इमेज को लेके आप यहाँ से इसको नीचे थर्ड ऑप्शन अपने पास क्रॉप वगैरह भी हो, फोटो को थोड़ी बहुत क्रॉप या कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन मैंने बताया आपको, ये देखो ये फर्स्ट अपना इफेक्ट का ऑटो, अपने पास जो भी इफेक्ट्स हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो। थर्ड अपना है एडिट वगैरह का, ये क्रॉप वगैरह का आ गया, उसके बाद में ये इस पर कुछ लाइन वाइन अगर कुछ लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अपना पूरा फाइनल डॉक्यूमेंट आ गया। तो अपन को क्या करना है, इमेज को एडिट करना है। एडिट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट है तो लाइट के अंदर जाएंगे, लाइट अपन को थोड़ी थोड़ा एक हाईलाइट इमेज अपन बनाएंगे, थोड़ी लाइट अपन कम करेंगे, ये देखो। जैसे मेरी आवश्यकता उसके अनुसार मैं अरेंज करके देख लेता हूँ कैसी ये इमेज बनती है, ठीक है। आप भी इनको कम या ज़्यादा करके यहाँ से देख के इनको सेट कर सकते हैं कि किस प्रकार की आपको इमेज चाहिए। यहाँ से मैंने ये रेड फिल्टर दिया इसके अंदर थोड़ा, ये जीरो पर रख देता हूँ मैं। ये कलर भी चेंज कर सकते हो आप इसमें, किसी कलर किसी इमेज में आपको कोई कलर ज़्यादा दिखाना है तो वो कलर आप चेंज कर सकते हो। ये देखो ये देखो ये इमेज फर्स्ट इमेज अपनी ये थी, अभी से ये इमेज बन गई है, ठीक है।
तरह से अपनी इमेज को सेव करके उनको फिल्टर कर सकते हो सिंपली। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही कुछ अट्रैक्टिव वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।